भद्रक पुलिस को मिली बड़ सफलता। पुजारी साईर युवक नीलकंठ दास हत्या घटनार मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस। फेब्रुआरी 2 तारिखरे होइतिला हत्याकांड। धामरा ब्रिज निकटरे हत्या करा जाइतिला बेले घटनार 3 मास परे आसामी को धरी पुलिस। घटनार मुख्य अभियुक्त हेले कुआंस अंचल सागर दास। बुधवार तमिलनाडु धरिबारे सफल होइछि पुलिस। तेबे गिरफ करा जाय कोर्ट चालन करा जिवो बोली एक सांबादिक सम्मेलन में एसडीपीओ सौरभ होता सूचना देछंती। आज्ञा, 1 तारिख दिन रात फेब्रुआरी 1 तारिख दिन रात मो भाई नीलकंठ दास को हत्या कर जोटा कि आप चरमपा धामरा ओवरब्रिज तले तो ये नहीं आम 2 तारिख दिन सका जानवाक पाइलु और रूराल पुलिस स्टेशन आम एतला सेपर्यंत पुलिस निजर इनभेस्टिगेसन करस 10 दिन पर पुलिस मेन आसामी मुख्य आसामी जो रोचे सागर दास को धरवार सफलता हासिल करे। पुलिस आज जहाँ तार सांबादिक सम्मेलन में जनईला कि सागर दास एकाकी ही मारीचे किंतु यह आम पर लोक स्वीकार करूना करूना कि जो भाई भाव में हत्याकांड हो अनुमान करन चारजर इनवल्वमेंट अच्छे। नीलकंठ सहित सागर पूर्वर शत्रुता लग रही घटना दिन राजघाट पोल निकटरे उभे देखा होइथिले। सागर ताकु सांगरे एक ऑटो जोगे डाकी जातीय राजपथ धामरा ब्रिज निकट को नेथिला। सेठारे सांगरे निशा सेवन करिबा परे उभयंक मध्यरे होइथिला बचसा। तेबे एहा परे सागर उत्त्यक्त होई नीलकंठ को आक्रमण करिथिले जहाँ फलरे तांकरो घटनास्थल रे मृत्यु होइथिला। तेबे मृतकंक भाई अजय दास को अभियोग क्रमे एने 50/23 रे एक मामला रुजु होइथिला। पूर्वरु एथिरे संप्रुक्त सागरर सासु संजु मुखी सला अमर मुखी एवं स्त्री चांदिनी मुखी को ग्रामांचल पुलिस गिरफ करिथिला। आ मुख्य आसामी को धरिबा पई एक स्वतंत्र टीम गठन करा जेतला ताको पुलिस ट्रैकिंग करी 3 मास परे तमिलनाडु रु आनी गिरफ करिछि। तेबे एने आज सांबादिक सम्मेलन रे आईआईसी अमिताभ दास सूचना देछंती। मुख्य आसामी को आम गोटे स्पेशल डेडिकेटेड टीम जाइला बाय यूजिंग लोकल टेक्निकल इंटेलिजेंस आम तमिलनाडु आप्रिहेड कलु आज आम कोर्ट चलाण करुच्छू। करेन्टली जहाँ भी आम इन्वेस्टिगेशन एथेरे जहाँ जना पड़ी से सागर दास जी आज धराई सी थी मुख्य आसामी जी कि से डेथ ब्लो जोटा मारी जो थी से मरी बादे स्क्रीन करिवारे आउ 3 जन लोक इनवॉल्व थिले जो थी तार सासु थिले तार स्त्री थिले आउ तार निजर सळा थिला से मानन को ऑलरेडी फॉरवर्ड करा सछि आज ताकु आमे फॉरवर्ड करू। भद्रक रु विजय कुमार कोरंग रिपोर्ट ओडिसा भास्कर।